पंजाब विधानसभा का चुनावी समर चरम पर है और वोटिंग में बस चंद दिन बाकी रह गए हैं। मानसा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला इस सीट से आपके डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया ने खास बात की पंजाबी सिंगर और मानसा से कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला से। पंजाब विधानसभा चुनावों का बिगुल पूरी तरह से फूक चुका है और लगातार हमारे साथ फर्स्ट इंडिया की टीम आपको ग्राउंड जीरो पर रुक करवा रही है, लेकिन इस बार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पॉपुलर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस प्रत्याशी मनसा से सिद्धू मूसेवाला जी। सिद्धू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत थैंक यू जी। सिद्धू जी, राजनीति में आने का कहाँ से सोचा, क्योंकि आप पहले से ही मतलब सिंगिंग से एकदम? मैं आपको बता रहा था कि मैं किसी बंगलों में नहीं रह रहा हूँ, मैं अपने गाँव में रह रहा हूँ। सो गाँव में काफी प्रॉब्लम ऐसी है जो एज अ सरपंच में सॉल्व नहीं कर सकता। कि आप अगर यहाँ से जीतते हैं, अगर इस क्षेत्र से जीतते हैं, तो क्या लगता है क्या क्या विकास के मुद्दे ऐसे जो जनता को देखने? काफी पॉइंट्स हैं, मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 14 पॉइंट हैं, उसमें सब कुछ मैंने लिख दिया है। और क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, जनता से बात भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मतलब जनता का रुझान कैसा नजर आ रहा है? अच्छा अच्छा रुझान नजर आ रहा है, लोग खुश हैं। जीत को लेकर कितना इस बार विश्वास? जीत को लेकर कितना विश्वास? जीत मैं तो मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं कर रहा हूँ। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। जो फिर भी एक थोड़ा जैसा जनता जैसा हारने के लिए आता कौन है, सभी जीतने के लिए आते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ सिद्धू मूसेवाला जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कोई भी यहाँ पे हारने के लिए नहीं आता, सब जीतने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की, क्योंकि इनका भारी समर्थन इनको जनता का देखने को मिल रहा है, इसलिए हो सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से सिद्धू मूसेवाला जी जीत दर्ज कर सकते हैं। मैं कैमरामैन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मनसा, पंजाब।